तो प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अपने चौथे गुड गवर्नेंस डे पर जिलों और कस्बों में 115 अंत्योदय सरल केंद्रों का शुभारंभ किया। इस विस्तार के साथ अब प्रदेश में 485 सरकारी योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। करनाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिले में जुड़े मंत्रियों और अफसरों के सामने मुख्यमंत्री ने हैरान करने वाला एक खुलासा भी किया। 25 दिसंबर को प्रदेश के कई जिलों में एक साथ अंत्योदय सरल केंद्रों के उद्घाटन के साथ ही अब प्रदेश में 485 तरह की स्कीम्स और सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं। खास बात यह है कि प्रदेश में सरकार बनने के 2 महीने बाद 25 दिसंबर 2014 को सीएम विंडो के उद्घाटन के साथ ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री करनाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के मंत्री, विधायकों और डिप्टी कमिश्नर से जुड़े हुए थे। इस मौके पर सीएम ने एक चौंकाने वाली बात बताई। तो प्राइवेट एजेंसीज को हमने हायर करने की बात सोची थी और अनऑफिशियली जब बातचीत हुई तो किसी ने कहा इस सारे प्रोजेक्ट पर 200 करोड़ लगेगा, किसी ने कहा 250 करोड़ रुपया लगेगा, किसी ने कुछ अपना अमाउंट बताया, किसी ने कोई बताया। हमने ये विचार किया कि हम अपने लेवल पर, हमारी जो टीम है आईटी डिपार्टमेंट की, हार्टोन की और जो बाकी साथ लोग जुड़े हुए हैं, इनके साथ मिलकर के अगर करेंगे तो इस टीम ने उस समय विश्वास दिलाया कि बहुत कम खर्चे में ये सारा काम हो सकता है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कुल मिलाकर के इस 1.5 साल में सिर्फ 4 करोड़ रुपए में और ये सारा प्रोजेक्ट तैयार हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी विभागों की ऑनलाइन सेवाओं और सक्सेस रेट की समीक्षा की गई। परिवहन विभाग की रेटिंग कम रहने पर मुख्यमंत्री ने पानीपत में मौजूद परिवहन मंत्री कृष्ण पवार से कहा, मंत्री जी काम पर ध्यान दो। मंत्री जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जी सर। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो ग्रीन में दिखेंगे सर, जैसे पब्लिक हेल्थ इस समय 9.1 पे है सर, सोशल जस्टिस 9.5 पे है सर, इसी प्रकार से सर सबसे लास्ट में बोलो सर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मंत्री जी ध्यान कर लो। गौरतलब है कि प्रदेश के 6,700 गांव में से 4,000 गांव में सरकारी स्कीम्स और सेवाओं की जानकारी और सुविधाएं देने के लिए अटल सेवा केंद्र के नाम से ऐसे सेंटर पहले ही चल रहे हैं। शहरों के केंद्र को अब अंत्योदय सरल केंद्र के नाम से जाना जाएगा। अंत्योदय सरल केंद्र पूरे हरियाणा प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरुआत की सभी जिलों की। जैसे मेरे पास ये आता है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम्हें तो ये सेवा यहाँ मिल सकती है, तो मैं उसको फैसिलिटेट करने की, ये नहीं कि उसको बता दिया, उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं कि वो वहाँ पे जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कृषि मंत्री ओपी धनखड़, शिक्षा मंत्री रामलाल शर्मा, हिसार के विधायक कमल गुप्ता ने इन सेवाओं के मुतलक कुछ सुझाव भी दिए। हालांकि हरियाणा एक साथ इतने बड़े स्तर पर ऑनलाइन सेवाएं देने वाला पहला राज्य बन गया है, इसके बावजूद अभी ग्रामीणों और अर्धशिक्षित लोगों में इन सेवाओं और इनकी उपयोगिता को लेकर जागरूक करना भी बड़ी जिम्मेदारी है। शहरों में अंत्योदय सरल केंद्र के शुभारंभ के साथ ही हरियाणा सरकार ने आज चौथा गुड गवर्नेंस डे मनाया। हरियाणा में अब 485 स्कीम्स और सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कुछ मंत्रियों को काम पर ध्यान देने की नसीहत भी दी। सहयोगी कपिल के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुशासन दिवस पर अंत्योदय सरल योजना की शुरुआत की। तो प्रदेश के तमाम जिलों में इस योजना को लेकर अंत्योदय सरल केंद्र भी बनाए गए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों पर इन योजनाओं को लागू करने को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की। हिसार में अंत्योदय सरल योजना के उद्घाटन के लिए हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को पहुंचना था, लेकिन उनका कार्यक्रम रद्द होने के चलते हरियाणा हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन कैप्टन भूपेंद्र ने इस अंत्योदय सरल केंद्र का उद्घाटन किया। सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा प्रदेश में लगभग 425 जो अभी फिलहाल है, तो बढ़ के अभी 485 हो गई हैं, उन सेवाओं को और योजनाओं को इसके माध्यम से लागू किया जा रहा है और इसमें समयबद्ध तरीके से सेवाएं दी जाएंगी। जिला हिसार में विशेष तौर पर 5 जो सब डिवीजन स्तर पर हैं या तहसील स्तर पर जो अंत्योदय सरल केंद्र है उनका उद्घाटन किया जाएगा।